और देखो कैसे हम मास्टर शेफ पर आज गए समोस से, तो हम बनाने जा रहे हैं समोस का हलवा। चलिए ठीक है, तो देखिए गाइस हमने निकाल लिया एक कटोरी आटा, एक कटोरी सूजी, एक कटोरी हमारा चीनी डालने के लिए। तो गाइस कढ़ाई गर्म हो गए हैं, अब हम डालेंगे इसमें अपना देसी घी। तो देखिए गाइस देसी घी डाल दिया हूँ, हमारा पिघल गया है, हमारा पिघल गया गाइस। अब इसमें हम एक कटोरी आटा डाल देंगे गाइस, एक कटोरी सूजी डाल दें, और इसको गाइस प्लेट में डाल देते हैं। कटोरी से अब गैस घी नाप के डाल सकते हैं, अपने अंदाज से ही हो तो अंदाज से। अब इसमें हम गैस लहसुन ऐड करेंगे, गैस इसमें हम ये राम भरा लहसुन, इसमें 2 चम्मच लहसुन डालेंगे गैस, इसको पकाना गैस। पकाएंगे धीरे धीरे गाइस, अब इसको पकने देते हैं। चलो तो गाइस हमारा पका लें आपको हलवा जो भी पकते नहीं है हमारा पक रहा है। हमें 1 लीटर पानी धीमा आंच पे रख दिया, बॉइल हो रहा है। तो चले गाइस इलायची कूट लेते हैं फटाफट। देखिए गाइस हमारा लाल मिर्चा है, अभी थोड़ा अच्छा है, हमने 8-10 इलायची इसको छीन लिया हो और इसको गाइस कूट के रेडी कर। तो देखिए गाइस गाइस हम ड्राई फ्रूट काट लेते हैं डालने के लिए फटाफट एक में। तो देखिए गाइस हमारा लाल हो गया है, पूरा अच्छी तरह से खुशबू देने लगी है, अब इसका स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ड्राई फ्रूट भी हमारा कट गया है, अब ले लेते हैं गाइस अखरोट। तो देखिए गाइस हमने चिरंजी ले लिया है, चिरंजी का दाना डाल देता हूँ, प्याज डाल देते हैं, अब गाइस पानी डाल हमारा तैयार। अब इसमें हम गैस चीनी ऐड कर देते हैं, फिर गैस इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं, थोड़ी सी पाई पानी डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब गाइस हमारा कर देते हैं पूरी अच्छी तरह। गाइस हमारा हलवा बन के तैयार, देखिए गाइस हमारा हलवा बन के तैयार हो गया है, पूरी अच्छी तरह से। देखिए गाइस घी छोड़ दिए हैं और इसको हम गैस बंद कर देते हैं, हमारा हलवा बन तैयार हो गया है पूरा। देखिए दाना दाना कैसा लग रहा है, अब
बनाओ तो वो ट्राई करिए, अच्छा चलेगा। हम कर देते हैं इसमें, हम डालते हैं ड्राई फ्रूट, ये हमारा काजू राइस, ये हमारा बादाम, थोड़ा सा चिरंजी डाल देते हैं ऊपर से। राइस हमारा तैयार, अच्छा लगेगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना। चलिए गाइस, अपनी तरफ प्रोग्राम कर